कार्यकर्ता हैं। इनका हुड़दंग देखिए और इनकी मजाल देखिए। एक पुलिस वाले पर, एक सुरक्षा कर्मी पर लाठी से वार कर रहे हैं। वो हुड़दंग न मचाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए इनके आगे हाथ जोड़ रहा है, लेकिन ये हुड़दंगी सपा कार्यकर्ता उसे डंडे से मार रहे हैं। यही है असली समाजवादी पार्टी। ये अखिलेश के सभा में आने से पहले की तस्वीर है, जहां ये सपा कार्यकर्ता आपे से बाहर हुए जा रहे हैं। सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नहीं, उन्हें तो न जाने किस बात की हनक है। अरे कार्यकर्ता ये क्यों नहीं समझ रहे कि अभी सत्ता में आए नहीं है अखिलेश, और आएंगे भी या नहीं आएंगे ये 10 मार्च को मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। भाई इतना उतावलापन आखिर किस बात का। वाराणसी में यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले सभी दलों के दिग्गजों ने ताकत झोंक दी और सभी ने वाराणसी को ही अपना केंद्र बनाया है। रिंग रोड के किनारे एढ़े गांव में सपा गठबंधन की जनसभा हुई थी, जिसमें अखिलेश समेत उनके साथ गठबंधन के सभी दिग्गज मौजूद थे। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, राज्यसभा सांसद जया बच्चन, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत अखिलेश के सभी समर्थक यहां इस सभा में उपस्थित थे। और उससे पहले देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से कैसे पेश आ रहे थे। क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से ही कार्यकर्ताओं ने प्रेरणा ली है, जब वो कन्नौज के तिरवा में एक जनसभा के दौरान पुलिस कर्मियों पर बिगड़ गए थे, ए पुलिस कहकर बुलाने लगे थे? ए पुलिस वालों, ए पुलिस, पुलिस, ए पुलिस, ए पुलिस वालों, क्यों क्यों कर रहे हो ये तमाशा? ए तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? क्या अखिलेश के कार्यकर्ताओं ने अपने अध्यक्ष से ही पुलिस कर्मियों से इस तरह से पेश आने की ट्रेनिंग ली है? ये लोग इनकी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे, और इन्हीं को देखिए कैसे ताव दिखा रहे हैं सपा के ये कार्यकर्ता। सुरक्षा कर्मियों से सपा के कार्यकर्ताओं के इस बर्ताव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं।